अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे अपने प्रीवियस टॉपिक को, जो कि था सिंपथेटिक सिस्टम के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने सिंपथेटिक सिस्टम का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ा था और हमने रिसेप्टर्स पढ़े थे कि बॉडी में रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ मौजूद होते हैं। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले के जो एड्रिनर्जिक सिस्टम है या जो आपका सिंपथेटिक सिस्टम है, इसमें जो एगोनिस्ट दवाइयां हैं उनकी क्या क्या क्लासिफिकेशन है, कितने तरह के ड्रग्स जो हैं वो एगोनिस्ट बिहेव करती हैं। सो आपकी बुक में सिर्फ 3 ड्रग्स मेंशन हैं जो कि एगोनिस्ट बिहेव करती हैं, यानी कि वो आपके जो सिंपथेटिक सिस्टम है उसको स्टार्ट करवाती हैं। आपके सिंपथेटिक सिस्टम का जो न्यूरो ट्रांसमीटर है जिसका नाम है एपिनेफ्रीन और नॉरएपिनेफ्रीन, उसको रिलीज कराती हैं। सो क्लासिफिकेशन में 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। पहली जो कैटेगरी आपकी आती है वो आती है डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट, डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। ये आपको पता है कि ये जो है वो हेडिंग होती है और इसके नीचे ड्रग का नाम मेंशन होता है, इसके अंदर एपी नेफ्रीन आती है। अब डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट से क्या मुराद है? डायरेक्ट एक्टिंग से मुराद है ऐसी दवाई जो के जा के डायरेक्ट आपके सिंपथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने की सलाहियत रखती है, उसे आप डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट कहते हैं। ठीक है जी, जैसे कि एपिनेफ्रीन जो कि न्यूरोट्रांसमीटर भी है आपके सिंपथेटिक सिस्टम का, जैसे ही बॉडी के अंदर एपिनेफ्रीन रिलीज होता है ये डायरेक्ट जाके आपके अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करने की सलाहियत रखता है। इसको रास्ते में किसी चीज़ की हेल्प नहीं लेनी पड़ती। दूसरी ड्रग्स या जो दूसरी क्लासिफिकेशन आती है उसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। सो जो दूसरी क्लासिफिकेशन है उसको आप कहते हैं इनडायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट। ये हेडिंग है और जो ड्रग का नाम है उसका उसको आप कहते हैं एम्फेटामीन। ठीक है जी, एम्फेटामीन के बारे में लिखा हुआ है कि ये आपकी इनडायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट ड्रग है। इससे मुराद है कि एम्फेटामीन डायरेक्ट जाके रिसेप्टर से, सिंपथेटिक सिस्टम के रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती, बल्कि ये क्या करती है, ये ड्रग जाकर आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं सिंपथेटिक सिस्टम के उनको रिलीज़ करवाती है। फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर जाकर आपके सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवाता है। जब हम इस ड्रग को डिटेल में पढ़ेंगे तब हम इसका एक्शन भी डिटेल में वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना बताना आपको ज़रूरी है कि ये डायरेक्ट रिसेप्टर से बाइंड नहीं करती, बल्कि ये इस सिस्टम के न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करवाती है, इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट एक्टिंग कहते हैं। और वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके फिर रिसेप्टर एक्टिवेट कराता है। तीसरी जो ड्रग होती है उसको आप कहते हैं मिक्स्ड एक्शन, मिक्स्ड एक्शन एगोनिस्ट ड्रग्स, यानी कि ये वो दवाई है जिसकी जो डायरेक्ट भी एक्ट कर सकती है और इनडायरेक्ट भी एक्ट कर सकती है। इसमें हमारे पास जो ड्रग आती है इसका नाम आता है एफिड्रीन, यानी कि ये डायरेक्ट तरीके से भी जाके रिसेप्टर से बाइंड कर सकती है, या ये आपके जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं उनके लेवल को इंक्रीज़ करती है, फिर वो न्यूरोट्रांसमीटर जाके आपके सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवाते हैं। ठीक है जी, आज के लेक्चर में हम जो ड्रग डिस्कस करेंगे डिटेल में वो है आपकी एपी नेफ्रीन। सो एपी नेफ्रीन के बारे में हम क्या कहते हैं, एपी नेफ्रीन का दूसरा नाम जो है वो एड्रीनालीन है। आपको पेपर में जो सवाल है वो दोनों तरीक़ों से पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन एपी नेफ्रीन या राइट अ नोट ऑफ एड्रीनालीन। ठीक है, अगर वो आपको कहे कि एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन को इकट्ठे क्या कहते हैं, तो उसको आप कैटिकोलामीन्स कहते हैं। ये लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। सो एपिनेफ्रीन के बारे में इन जनरल इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं कि एपिनेफ्रीन आपकी एक ऐसी ड्रग है जो कि डायरेक्ट जाके, क्योंकि ये न्यूरोट्रांसमीटर है तो इसको किसी और न्यूरोट्रांसमीटर को एक्टिवेट करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली जाकर आपकी बॉडी के रिसेप्टर्स के साथ बाइंड करती है। कौन कौन से रिसेप्टर्स? सो हम लिख सकते हैं जनरल इंट्रोडक्शन में कि एपिनेफ्रीन इज सिंपैथो मिमेटिक ड्रग, यानी कि ये ऐसी ड्रग है जो कि आपके पैरा सॉरी सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करवाती है, या वही काम करती है जो कि आपका सिंपथेटिक सिस्टम करता है। दिस ड्रग एक्ट्स ऑन बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स,
ये दवाई आपकी बॉडी में अल्फा और बीटा दोनों रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करती है। अल्फा की जो दो टाइप्स हैं α1 α2 उन पे भी इफेक्ट करती है, और बीटा की जो थ्री टाइप्स हैं β1 β2 β3 उनके ऊपर भी जाकर ये इफेक्ट करती है। उसके बाद हमें पता है कि जो आपकी एपिनेफ्रीन है वो बॉडी में कहाँ से रिलीज़ होती है। एपिनेफ्रीन जो है वो रिलीज़ होती है एड्रिनल मेडुला से। सो आप लिख सकते हैं एपिनेफ्रीन इज प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल मेडुला। ठीक है जी, एड्रिनल मेडुला से ये आपकी प्रोड्यूस होती है, और उसके बाद ये बॉडी के ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है वो मूव कर जाती है। इसके बाद इंट्रोडक्शन लिखने के बाद जो हम दूसरी चीज़ लिखते हैं वो हम लिखते हैं फार्मेकोकाइनेटिक्स। फार्मेकोकाइनेटिक्स में हम भी बताते हैं कि हम इस ड्रग को किस किस तरह से एब्जॉर्ब करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, एलिमिनेट कहाँ से होती है, और ये आपकी बॉडी में रिलीज़ कहाँ से होती है। जो आपकी एपिनेफ्रिन ड्रग है ये ओरली कभी भी पेशेंट को एडमिनिस्टर्ड नहीं की जाती। कभी भी एपिनेफ्रिन या नॉर एपिनेफ्रिन या जो भी कैटेकोलामीन्स हैं इनको आप ओरली नहीं देते। उसकी बेसिक वजह ये होती है कि जब आप इनको मुंह के ज़रिए से देते हैं पेशेंट की बॉडी में, तो जैसे ही ये GIT में पहुँचते हैं GIT में मौजूद एंजाइम्स इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और आपकी सारी की सारी ड्रग जो है वो इनफेक्टिव हो जाती है और आपकी किसी काम की नहीं रहती। सो हम लिख सकते हैं कि एपिनेफ्रिन इज इनइफेक्टिव व्हेन गिवन ओरली। इसको आप जब ओरली देते हैं तो ये इनइफेक्टिव हो जाती है। क्यों? बिकॉज इट्स रैपिडली डिस्ट्रॉयड बाय GIT, यानी कि जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक है यहाँ पे मौजूद जो एंजाइम्स हैं वो इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। फिर आप इसको किस तरह लगाते हैं? एपिनेफ्रिन इज गिवन, हमेशा ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एपिनेफ्रिन को आप हमेशा लगाते हैं बाय सबक्यूटेनियस। सबक्यूटेनियस क्या होता है? सबक्यूटेनियस का मतलब होता है जिसे आप स्किन के अंदर लगाते हैं, स्किन की लेयर के अंदर लगाते हैं, उसको आप सबकुटेनियसली कहते हैं, एंड इंट्रामस्कुलरली या आप इसको मसल के अंदर लगाते हैं इंट्रा मस्क्यूलरली। कभी भी आप इसको ना तो ओरली देते हैं और ना ही वेन के अंदर या रक्त के अंदर आप इसको नहीं लगाते। यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे एपिनेफ्रिन इज नेवर गिवन इंट्रावीनियसली। इंट्रावीनसली का क्या मतलब होता है? कि इसको कभी भी आपने रग के अंदर नहीं लगाना, या तो आप इसको स्किन के अंदर लगाएंगे या आप इसको मसल के अंदर लगाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा एपिनेफ्रिन इज आल्सो गिवन, एपिनेफ्रिन मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, एपिनेफ्रिन इज आल्सो अप्लाइड टॉपिकली। इसको आप टॉपिकली का क्या मतलब होता है? स्किन के ऊपर इसी तरह से लगा देना, अपने हाथ के ऊपर, पाँव के ऊपर, स्किन के ऊपर लगा देना स्कार टॉपिकली, जैसे कि आप लोशंस लगाते हैं या क्रीम्स लगाते हैं तो उसको टॉपिकल एप्लीकेशन कहते हैं। एपिनेफ्रिन को आप सबक्यूटेनियस भी लगा सकते हैं, इंट्रामस्कुलर भी लगा सकते हैं, और आप स्किन के ऊपर भी लगा सकते हैं। जब आप टॉपिकली लगाते हैं तो ये आपकी स्किन को वैसो कंस्ट्रिक्शन प्रोवाइड करती है। सो प्रोड्यूस्ड वैजो कंस्ट्रिक्शन। वैजो कंस्ट्रिक्शन क्यों प्रोवाइड करती है? क्योंकि हमें पता है कि जो आपकी एपिनेफ्रीन है वो सिंपथेटिक एगोनिस्ट दवाई है। ठीक है, कौन सी दवाई है? क्योंकि ये एगोनिस्ट दवाई है, और जो एगोनिस्ट दवाइयाँ होती हैं वो वही काम करती हैं जो कि आपका सिंपथेटिक सिस्टम करता है। सो जब आप एगोनिस्ट दवाइयाँ देते हैं सिंपथेटिक सिस्टम क्या होता है? एक्टिवेट होता है। जब सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी जो स्किन की ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या करती हैं? स्किन ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट, ठीक है, जिसे आप कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन। ठीक है जी, सपोज करें ये हाथ है, इस हाथ के ऊपर अगर मैं जो है वो
एपिनेफ्रिन अप्लाई कर दूंगी स्किन के ऊपर, तो जिस जगह पे मैं एपिनेफ्रिन, फॉर एग्जांपल ये आपका फुल हैंड है, इसको हम इस तरह से बना लेते हैं, मैं इस पोर्शन के ऊपर एपिनेफ्रिन को अप्लाई करती हूँ। जब मैं यहाँ पे एपिनेफ्रिन अप्लाई करूँगी, तो एपिनेफ्रिन अप्लाई करने के बाद, क्योंकि पूरे हाथ में आपको पता है कि खून की नालियाँ हैं, स्किन की नालियाँ हैं, जिसको आप वेसल्स कहते हैं, जिनके अंदर खून मूव कर रहा होता है। सो जब मैं इसको यहाँ पे स्किन के ऊपर अप्लाई करूँगी, तो इस जगह पे मौजूद जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, वो सारी की सारी सिकुड़ जाएंगी, उनका रास्ता जो है वो स्पोज करें। ये आप में यहाँ पे आपने एपिनेफ्रिन अप्लाई की है स्किन पे, तो इसके इर्द गिर्द ये जो सारी की सारी ब्लड वेसल्स हैं, ये सारी की सारी अब सिकुड़ जाएंगी। ठीक है, सारी की सारी सिकुड़ जाएंगी। जब ये सिकुड़ जाएंगी, तो आपकी एपिनेफ्रिन जो है वो यहीं पे ही मौजूद रहेगी, और ये आपको रिलीफ प्रोवाइड करेगी। इसके अंदर यहाँ पे जो भी आपका इन्फेक्शन है, वो आपका ठीक हो सकता है। मोस्टली आप एपिनेफ्रिन को एनेस्थेटिक मेडिसिन के साथ भी देते हैं, यानी यहाँ पे आप एपिनेफ्रिन दें और साथ में एनेस्थेटिक मेडिसिन दें। एनेस्थेटिक मेडिसिन क्या करती है? एनेस्थेटिक मेडिसिन ऐसी मेडिसिन होती है जो कि आपको सुकून प्रोवाइड करती है, आपको नशा पैदा करती है, और आपको कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना होता है तो आप एनेस्थेटिक्स लगाते हैं। सो उस एनेस्थेटिक के साथ जब आप एपिनेफ्रिन ऐड करते हैं, और उस एपिनेफ्रिन और एनेस्थेटिक मेडिसिन को आप स्किन के ऊपर अप्लाई करते हैं, ना तो इंजेक्शन लगाना है, ना ही इंट्रामस्कुलर, ना ही सबकुटेनियस, आपने टॉपिकली अप्लाई करनी है। जब आप टॉपिकली अप्लाई करते हैं, सपोज करें हाथ में कोई इन्फेक्शन हुआ हुआ है, हाथ की सर्जरी करनी है, तो आपने जिस जगह से सर्जरी करनी है, वहाँ पे आप एपिनेफ्रिन को एनेस्थेटिक मेडिसिन के साथ मिलाकर लगा देंगे। एनेस्थेटिक मेडिसिन क्या करेगी? उस जगह को सुन कर देगी, आपके उस एरिया को सुन कर देगी, और एपिनेफ्रिन क्या करेगी? वहाँ की ब्लड वेसल्स को सिकुड़ देगी। जब आपकी ब्लड वेसल सिकुड़ जाएंगी, तो आपका सारा का सारा खून इसी जगह पे जमा होता शुरू हो जाएगा। ना तो खून यहाँ मूव करेगा, ना ही आगे, ना ही यहाँ से कहीं और मूव करेगा, सारा का सारा ब्लड इसी जगह पे जो है वो इकट्ठा हो जाएगा। सो जो आपका 10-15 मिनट का प्रोसीजर है, उस 10-15 मिनट के अंदर एपिनेफ्रिन आपकी खून की नालियों को सुखेड़ के रखेगी, जिसकी वजह से खून जब यहाँ वहाँ मूव नहीं करेगा, तो वो एरिया आपका जो है वो सुन रहेगा, ना नया खून यहाँ आ रहा है, ना यहाँ से पुराना खून कहीं पर जा रहा है, लिहाजा वो एरिया आपका जो है वो सुकड़ जो है वो आप कह सकते हैं कि आपका वो एरिया सुन रहेगा, और आप इजीली वहाँ पे कोई भी सर्जिकल प्रोसीजर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए इसको आप एपिनेफ्रिन को एनेस्थेटिक मेडिसिन के साथ भी इस्तेमाल करते हैं। आपने हमने अब तक डिस्कस किया कि एपिनेफ्रिन जो है वो किस तरह से काम करती है, और उसका हमने फार्माकोकाइनेटिक्स देखी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स क्या होती है। फार्माकोडायनामिक्स के बारे में आप जानते हैं कि फार्माकोडायनामिक्स का मतलब होता है कि व्हाट ड्रग डू विद बॉडी इज कॉल्ड फार्माकोडायनामिक्स, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है, ठीक है जी, कि ड्रग बॉडी के अंदर जाके किस तरह से काम करती है। इसके बारे में हम कहते हैं कि एपिनेफ्रिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि एपिनेफ्रिन, आपने हमेशा हर ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिटेल में लिखना है, प्रॉपर लिखना है, ताकि चेक करने वाले को आइडिया हो कि आपको इसके बारे में ठीक से इंफॉर्मेशन है। एपिनेफ्रीन जो है वो इंटरेक्ट करती है विद बोथ अल्फा एंड बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है जी। एपिनेफ्रीन आपके अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स दोनों पे इफेक्ट करती है, एंड एक्टिवेट्स देम एज अ रिजल्ट काज सिंपथेटिक एक्टिवेशन, कि एपिनेफ्रिन जो है वो डायरेक्टली इंटरेक्ट, इनडायरेक्ट का लफ्ज आप यहाँ पे लिख लेंगे, कि एपिनेफ्रिन डायरेक्टली इंटरेक्ट करती है अल्फा और बीटा रिसेप्टर्स के साथ, और इन रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करती है, एज अ रिजल्ट आपका सिंपथेटिक सिस्टम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब है डोज डिपेंडेंट इफेक्ट। जब आप एपिनेफ्रिन को लो डोज में लगाते हैं, यानी कि बहुत थोड़ी सी मिकदार आप एपिनेफ्रिन की लगाते हैं, तो क्या होता है? एट लो डोज जब आप थोड़ी सी मिकदार लगाते हैं, इट एक्ट्स ऑन बीटा रिसेप्टर्स, ठीक है जी। और आपको पता है कि बीटा रिसेप्टर्स जो थे वो आपके स्केलेटल मसल्स के ऊपर मौजूद थे, ठीक है जी। बीटा रिसेप्टर्स की कौन सा हिस्सा?
स्केलेटल मसल्स के ऊपर। जब आप इसको लो डोज में लगाते हैं तो ये आपके बीटा रिसेप्टर्स के स्केलेटल मसल्स के ऊपर जाके इफेक्ट करती है। और आपको पता है कि जब आपने पिछले लेक्चर में जब हमने जो इसका कॉलम था वो पढ़ा था, उसमें था कि जब आप इसको स्केलेटल मसल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो आपके स्केलेटल मसल्स में क्या इफेक्ट आता है। वो रिलैक्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसलिए हम उनको कहते हैं कि जब आप इसको लो डोज में लगाते हैं तो ये जाकर आपके बीटा रिसेप्टर पे मौजूद जो स्केलेटल मसल्स के अंदर ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स, उनके ऊपर जाके इफेक्ट करती हैं और वहाँ पर आपको वेजो डाइलेशन काज करती हैं। यहाँ स्किन की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ब्लड वेसल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स की बात हो रही है। जब आप इसको हाई डोज पे लगाते हैं, एट हाई डोज, तो ये एक्ट करती है ऑन अल्फा रिसेप्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि लो डोज पे किस पे इफेक्ट करती है और हाई डोज पे किस पे इफेक्ट करती है। हाई डोज पे ये अल्फा रिसेप्टर्स पे एक्ट करती है, और अल्फा रिसेप्टर्स के जो आपकी स्किन की ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ लिख लेते हैं ब्लड वेसल्स ऑफ स्किन। और आपको पता है कि जब अल्फा रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो आपका सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। जब आपका सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी वेसल्स क्या हो जाती हैं, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं। सो ये वेजो कंस्ट्रिक्शन काज करती हैं। अब ये बात सिर्फ उसी बच्चे को समझ आ रही होगी जिसने उस टेबल को अच्छे से याद किया है जहाँ पे एक्शन ऑफ सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक सिस्टम ऑन द बॉडी थे। इस बात को समझने के लिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए कि जब सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी स्केलेटल मसल्स डायलेट होते हैं और आपकी जो ब्लड वेसल्स स्किन की होती हैं वो वैजो कंस्ट्रिक्ट होती हैं, ठीक है जी। ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं एक्शंस ऑन द बॉडी, एक्शंस ऑन द बॉडी। अब ये याद करने के लिए हमें रिसेप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। हमने पढ़ा जनाब रिसेप्टर्स बॉडी में जगह जगह मौजूद होते हैं, और आपकी जो एपिनेफ्रीन है वो अल्फा रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करती है और आपकी एपिनेफ्रीन बीटा रिसेप्टर्स के ऊपर भी जाकर जो है वो काम करती है। अब हम कहाँ कहाँ देखते हैं, हमें पता है कि हमारे जो अल्फा रिसेप्टर्स हैं और या जो बीटा रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पे मौजूद हैं। आपके रिसेप्टर्स आइज के ऊपर भी मौजूद हैं, ठीक है जी। ये मोस्टली अल्फा वन रिसेप्टर्स आइज के ऊपर भी मौजूद होते हैं। ये जाकर आपकी कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगी, आइज के अलावा ये आपके सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम जो कि हार्ट का सिस्टम है वहाँ पे भी जाके काम करेगी। ये आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी जाके काम करेगी क्योंकि रेस्पिरेटरी ट्रैक पे भी आपके रिसेप्टर मौजूद थे। इसके अलावा ये ड्रग जाकर आपके जीआईटी के ऊपर भी काम करेगी। इसके अलावा ये ड्रग जाकर आपकी और कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स आप लिख सकते हैं, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड जो कि अल्फा वन रिसेप्टर से मौजूद होते हैं उस पे जाके भी एक्ट करेगी। इसके अलावा ये दवाई जो है वो आपकी मेरा ख्याल इतना काफ़ी है, ठीक है। इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। अब हमें आइज के ऊपर अल्फा रिसेप्टर्स भी होते हैं और बीटा रिसेप्टर्स भी होते हैं। जब आपको पता है कि ये आपकी एगोनिस्ट ड्रग है, जब ये ड्रग जाकर आपके सिंपथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करेगी तो आँखों में क्या होगा, मिडरियासिस होगी, क्योंकि जब सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आइज में मिडरियासिस होती है। मिडरियासिस में आपके पास क्या होता है, इसको हम कहते हैं प्यूपिल का डायलेट हो जाना, यानी कि आपकी आँख के लेंस का फैल जाना, इस कारण मिडरियासिस। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट करती है, हमें पता है कि जो सीवीएस सिस्टम है जिसको आप कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं, इसमें ब्लड वेसल्स भी आती हैं, इसमें आपका हार्ट भी आता है। जब भी आपका सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो हमेशा आपकी ब्लड वेसल्स क्या करती हैं, ब्लड वेसल्स ये हमने पढ़ा है कंस्ट्रिक्ट होती हैं। जब ब्लड वेसल्स कंस्ट्रिक्ट होती हैं यानी कि वो तंग हो जाती हैं तो खून की सप्लाई का रास्ता कम हो जाता है, ब्लड को प्रेशर के साथ यहाँ से गुजरना पड़ता है, एज अ रिजल्ट ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो साथ साथ आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। सो जब आप ये ड्रग देंगे तो ये काम आपकी बॉडी में होंगे।
रेस्पिरेटरी ट्रैक पे क्या काम करती है, हमें पता है कि हमारे अल्फा रिसेप्टर्स और बीटा रिसेप्टर जो हैं वो रेस्पिरेटरी ट्रैक के ऊपर भी मौजूद थे, जिसको आप ब्रोंक्यूज़ भी कहते हैं। जब भी सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपकी ब्रोंक्यूज़ जो हैं वो डायलेट होती हैं, इसको हम कहते हैं ब्रोंको डायलेशन, यानी कि आपकी जो ब्रोंक्यूज़ पहले इस तरह थी, आप वो खुलकर इस तरह हो जाएंगी, रास्ता खुला हो जाएगा, आप इजीली सांस ले सकते हैं और आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा। ये बातें भी उसी को समझ आएंगी जिसने वो वाला टेबल जो है वो याद किया हुआ है। जीआईटी में क्या होता है कि जब आपकी जीआईटी, जिसको आप गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक कहते हैं, जब भी सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो जीआईटी की मोर्टेलिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जीआईटी मोर्टेलिटी डिक्रीजेस, यानी कि आपकी जीआईटी की मोर्टेलिटी डिक्रीज हो जाती है। और आपको पता है जब सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका सलाइवा जो है वो थिक सलाइवा प्रोड्यूस होता है, सलाइवा जो है वो कम हो जाता है, ड्राइनेस हो जाती है मुंह में, और आपका मुंह जो है वो ड्राई हो जाता है, ड्राइनेस इन माउथ हो जाती है। इसके साथ साथ आपका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या आपका यूरिनरी आउटपुट क्या हो जाता है, जब भी सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आपका यूरिन की प्रोडक्शन कम हो जाती है, तो डिक्रीज इन यूरिन आउटपुट, आपको यूरिनेशन जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। इसी तरह से आप इसके और बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी जो है वो लिख सकते हैं। सीएनएस पे क्या लिखेंगे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपको पता है कि जब भी सिंपथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है तो आप फाइट या फ्लाइट की मोड में होते हैं, यानी कि आप एक्टिव होते हैं, आप एनर्जेटिक होते हैं, लिहाजा जब आप इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं तो ये एक्टिवेट कर देती है, एक्टिवेट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम, आपके दिमाग को ये एक्टिवेट कर देती है। इससे आप इसके मुख्तलिफ किस्म के बॉडी के ऊपर एक्शंस लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है यूजेस, आप इस दवाई को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। यूजेस में हम लिख सकते हैं कि इस दवाई को हम इस्तेमाल करते हैं अगर किसी को ब्रोंकियो कंस्ट्रिक्शन हुई हुई है, यानी कि उसकी खून जो सांस की नालियां हैं वो सिकुड़ी हुई हैं, तो उन सांस की नालियों को खोलने के लिए हम इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। लिहाजा हम लिख सकते हैं कि टू ट्रीट ब्रोंकियल एस्थमा। एस्थमा कब होता है, जब आपकी सांस की नाली तंग हो जाती है, उसको आप एस्थमा कहते हैं। उस नाली को खोलने के लिए आप इस ड्रग का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये नाली पहले इस तरह से थी, यानी कि ये एस्थमा की कंडीशन थी, और ड्रग को इस्तेमाल करने के बाद आपकी ये नाली इस तरह से हो जाएगी और आपका एस्थमा जो है वो ठीक हो जाएगा। इसके साथ साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं टू ट्रीट ग्लाउकोमा। ग्लाउकोमा में आपकी बॉडी में इंक्रीज हो जाता है इंट्रा ऑकुलर प्रेशर, उस प्रेशर को कम करने के लिए भी आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं, आँखों में मिड्रियासिस हो जाएगी। टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, अगर किसी का ब्लड प्रेशर कम हुआ हुआ है, उसके ब्लड प्रेशर को आपने बढ़ाना है, तो आप इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप एज एनेस्थेटिक भी यूज़ करते हैं। एनेस्थेटिक क्यों इस्तेमाल करते हैं, हमने पिछले पढ़ा था कि जब आप इस ड्रग को इस्तेमाल करते हैं एनेस्थेटिक मेडिसिन के साथ, तो ये वहाँ पे वैसो कंस्ट्रिक्शन कर देती है, आपकी वैसल सिकुड़ जाती हैं, खून वहीं पे मौजूद रहता है, वो एरिया आपका सुन्न रहता है, और आप आसानी से सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है जी, इसके बाद आ जाते हैं लास्ट पॉइंट, जो कि है आपका एडवर्स ड्रग रिएक्शन। वो आप यहीं से ही लिख सकते हैं कि जब भी आप, क्योंकि ये स्टिमुलेंट ड्रग है, जब आप इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके दिमाग को ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट कर सकती है, इसलिए हम इसको लेते हैं कि ये सीएनएस डिस्टरबेंस काज कर सकती है। आपको नींद में मसला होगा, नींद नहीं आएगी आपको, आपको जो है वो हेडिक होगा, सर में दर्द होगा अगर आपने इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया है। इसके अलावा आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, आपको ट्रैकीकार्डिया हो सकता है। ट्रैकीकार्डिया का क्या मतलब होता है, हार्ट रेट का ज़्यादा हो जाना, क्योंकि जब आप इस दवाई को इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर भी ज़्यादा होता है और हार्ट रेट भी ज़्यादा होता है, और अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए तो ये आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। सो ये कुछ इसके एडवर्स ड्रग रिएक्शन हैं। सो ये थी आपकी ड्रग जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, एपिनेफ्रीन, इसको आप प्रोटोटाइप ड्रग भी कहते हैं, और ये पेपर के लिहाज से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्रग है। इसमें कोई भी मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।